ग्वालियर से खबर है जहां बीएसपी प्रत्याशी पर हमला हुआ है। बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला हुआ है। कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर पर हमले का आरोप है। रीपोलिंग की मांग को लेकर धरना भी दिया, कंपू थाने का भी घेराव किया गया। तो ये बड़ी खबर है, बीएसपी प्रत्याशी पर हमला हुआ है। बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला हुआ, कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर पर हमले का आरोप है। तो नासिर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। नासिर, बीएसपी प्रत्याशी पर हमला हुआ है, क्या अपडेट इस पूरी खबर पर? देखिए, ये देर रात की मामला है और नया गांव है, वहां पर ये सुरेश बघेल और साहब सिंह गुर्जर के समर्थकों के बीच में घासनी हुई। उसके बाद लगभग 5 से ज्यादा गाड़ियां हैं बीएसपी की, वो तोड़ दी गई और आनंद फानंद में ये लोगों ने कंपू थाने के घेराव कर दिया। जब मामला दर्ज हो गया दूसरी पार्टी पर, तब उसके बाद उन्होंने अपने हंगामे को खत्म किया। लेकिन सवाल यह है कि लगातार जिस तरह से खबरें पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में एक के बाद आई, तो सबसे ज्यादा जो ग्वालियर ही पूरा हॉट नजर आया। कहा जा रहा था कि भिंड मुरैना में भी इस तरह की वारदातें होगी, लेकिन भिंड मुरैना में भी वारदातें होगी, लेकिन ग्वालियर में भी सबसे ज्यादा वारदातें देखने को यहाँ मिली है। चलो, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।